हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेब्स किचन। आप सभी को बेब्स किचन की तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम व्रत के लिए दो चीज़ों से लच्छा पकौड़ा बनाएंगे। ये लच्छा पकौड़ा बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। चटनी के बिना तो पकौड़े एकदम फीके से लगते हैं। आइए तो व्रत वाली चटनी बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, चार हरी मिर्च, दो छोटे टुकड़े अदरक के, एक चम्मच नमक का, एक चम्मच जीरा, थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली, दो चम्मच दही के और थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने ये तीन चार आलू लिए हैं, इसके हम लच्छा पकौड़ा बनाएंगे व्रत के लिए। अब इनको हम कद्दूकस कर लेते हैं। इसकी हेल्प से हम कद्दूकस करेंगे। अब तरह से फिर में हम ठंडा पानी डाल देंगे, इससे हमारे आलू काले ना पड़े। इन आलू को अच्छे से निचोड़ के दूसरे बर्तन में डाल कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं खाते हो व्रत में आप, चम्मच सेंधा नमक, थोड़ी सी बारीक हरी मिर्च कटी हुई, छोटा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस करा हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ और पाँच चम्मच हम समा के चावल डालेंगे। ये व्रत के लिए यूज़ किया जाते हैं चावल। दो चम्मच इसमें हम सिंघाड़े का आटा डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी जरा नहीं डाला है, तो इस तरह से बन जाएंगे हमारे पकौड़े। इस तरह से कोई भी शेप देके आप बना सकते हैं और डाल सकते हैं। देखिए हम व्रत के लिए पकौड़े बना रहे हैं, हमारा बैटर अच्छे से हो गया है। अगर आपको सूखा लगे ये तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे कढ़ाई में। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, गैस को थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं और साथ साथ में डालते जाते हैं। अब हम गैस को फुल कर देते हैं, यहाँ पे फुल गैस पे बनाते हैं इनको। इसको पलटते हैं हम एक बार। देखिए हो रहे हैं हमारे पकौड़े अच्छे अच्छे हल्के हल्के ब्राउन हो गए। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही होने देंगे इनको। आप इनको व्रत वाले दिन स्नैक्स के रूप में भी बना सकते हैं, फटाफट बन जाते हैं। दो तीन आलू छीलो फटाफट और उसमें मैंने समा का चावल डाले हैं पीसे हुए और सिंघाड़े का आटा डाला हुआ है। फटाफट बैटर बनाओ और बना लो और बहुत ही आसानी से ये लच्छा पकौड़ा बन जाते हैं व्रत के लिए। देखिए हमारे लच्छा पकौड़े अच्छे से ब्राउन हो गए हैं और बन गए हैं, इनको सर्व कर लेते हैं। इनको मैंने फुल गैस पे ही बनाया है। आपने सारे लच्छे पकौड़े इस तरह से बना लेने हैं। व्रत में बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छी और आसानी से बनने वाली डिश है। देखिए एक पकौड़ा मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। अंदर से सॉफ्ट बने हैं और देखो बाहर से कितने क्रिस्पी बने हैं ये। ये देखिए इसको इस तरह से चटनी के साथ लगा के खाओ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।